अप्रैल दिन मंगलवार 2024 का हनुमान जयंती है। बहुत संयोग से ये हनुमान जयंती दिन मंगलवार को पड़ा है। तीन महा उपाय कीजिए आप लोग, जो बहुत कर्ज में डूबे हुए हैं ये उपाय करने से आपको कर्ज मुक्ति मिलेगा। जो बच्चे बहुत दिन से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं नहीं सक्सेस हो रहे हैं उनके लिए बहुत सिद्धि है ये। जो बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता होगा ये उपाय करें, ये महा उपाय है फ्रेंड्स। दिन मंगलवार 23 अप्रैल को ये कीजिए, आपके सारे बिगड़े कार्ड। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानो दले जय 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 कपिशूर, सियावर रामचंद्र की जय। हेलो एवरीवन, जय माता दी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, अभी हमारा हनुमान जयंती नज़दीक आ गया है, तो आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं हनुमान जी से जुड़ी कुछ बातें विशेष बताऊंगी। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और ये उपाय हनुमान जयंती के दिन कीजिएगा, सारे बिगड़े काम जरूर बनेंगे हनुमान जी की कृपा से। जिसके भी बिगड़े कार्य होते हैं हनुमान जी जरूर सिद्ध करते हैं, सिद्धदाता है हनुमान जी। जो भी हमारे बिगड़े काम है, जैसे बच्चे की पढ़ाई का लेकर आपके बच्चे अच्छे से पढ़ते नहीं हो, तो ये हनुमान जयंती के दिन कुछ उपाय आप हनुमान जी के साथ कीजिएगा, पूजा पाठ के साथ जरूर सक्सेस होगा। दूसरा है फ्रेंड, जिन बच्चों को नौकरी में दिक्कत होती है हनुमान जी बिल्कुल उनको सफलता देते हैं। तीसरा, जो कर्ज है कर्ज मुक्ति के लिए हनुमान जी विशेष माने जाते हैं। अगर आप हनुमान जयंती पर विशेष पूजा करेंगे तो कर्ज मुक्ति से मुक्ति मिलेगा। तो आज इस वीडियो में हम ये सब महत्वपूर्ण तीन महत्वपूर्ण उपाय हम जानेंगे, आपको मैं बताऊंगी तीन महत्वपूर्ण उपाय। इस बार 2024 में 23 अप्रैल दिन मंगलवार को हनुमान जयंती पड़ा है, तो कितना शुभ है। बहुत संयोग से मंगलवार को ये दिन मिला है, हर समय मंगलवार को नहीं मिलता है और मंगलवार हनुमान जी का दिन है, तो उस दिन आप ये उपाय कीजिए, ये पूजा पाठ कीजिए। हनुमान जी प्रसन्न होते हैं हनुमान जयंती के दिन किए हुए पूजा पाठ से, और ये तीन महत्वपूर्ण उपाय आप उस दिन कीजिए, आपको बहुत सफलता मिलेगा। तो वीडियो में फ्रेंड्स आगे चलते हैं, ये आपको महा उपाय हनुमान जी का करना है जिसमें बहुत सफलता मिलेगा, बहुत ही सफलता मिलेगा। ये सभी लोग करते हैं फ्रेंड्स, जिनका बिगड़ा कार्य रहता है इस दिन सिद्ध होता है, भले ही वो बताते ना हो किसी को, लेकिन सभी लोग ये उपाय करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहला उपाय है फ्रेंड्स कि उस दिन दिन मंगलवार है और हनुमान जी का पूजा उस दिन शुभ मुहूर्त है 11 बजे दिन के बाद। अगर आप जो भी पूजा पाठ करेंगे हनुमान जी का, अगर आप ऑफिस वाले हैं या कहीं आपको जाना जरूरी है तो सुबह कर लीजिए, अगर आप घर में हैं टाइम है तो हनुमान आराधना करना चाहते हैं आप, तो उस दिन 11 बजे के बाद कीजिएगा। 11 बजे से लेकर 2 बजे तक शुभ मुहूर्त है हनुमान जी के पूजा का उस दिन, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 11 से 2 के बीच में ही करें। 23 अप्रैल दिन मंगलवार को करना है। पहला है फ्रेंड्स कि हनुमान जी की पूजा करने के लिए आपको लाल वस्त्र धारण करना होता है। लेडीज हो जेंट्स हो, लाल वस्त्र उस दिन जरूर धारण करें। हनुमान जी का प्रिय रंग होता है लाल, और लाल रंग का कपड़ा पहने आप, कोशिश करें लाल ही आसन पर बैठें और एक चौकी लगा ले हनुमान जी का, जहाँ भी आप मंदिर में पूजा करते हो वहाँ से हनुमान जी के लिए एक अलग चौकी लगा ले, उनको लाल आसन ही दे, हनुमान जी को लाल चीज़ें ही पसंद हैं, उनको लाल आसन दे आप, लाल आसन बिछा करके और उस पर हनुमान जी की प्रतिमा रखें। हनुमान जी की प्रतिमा रखकर आप पूजा करें उस दिन। कभी भी फ्रेंड्स पूजा पाठ में हमें कोशिश करना चाहिए कि हम घर में अपनी हाथों से प्रसाद बनाएं, क्योंकि बाजार का खरीदा हुआ इतना शुद्ध नहीं होता जितना हम अपनी हाथों से बना सकते हैं। तो कोशिश कीजिए उस दिन गुड़ की चीज़ें बनाने के लिए, गुड़ लाल होता है
और लाल चीज हनुमान जी को बहुत पसंद है। आप लोग लाल फूल चढ़ावे उस दिन, लाल अक्षत रंग ले, कलर कर ले, लाल रंग से अक्षत का उसका चौकी बना के वहाँ अच्छे से कलश वगैरह रख के उसके बाद हनुमान जी की स्थापना करें। आप लाल रोड़ी चंदन से उनकी पूजा करें, लाल फूल से, और लाल प्रसाद बनावें। जैसे कि गुड़ की खीर बना सकते हैं आप, गुड़ को आटे में लगाकर पूड़ी बना सकते हैं जिसको रोट भी बोला जाता है, गुड़ की हलवा बनाइए और चना और गुड़ की प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाइए। ये सब चीज़ें उनको बहुत पसंद है। और पहली बात फ्रेंड्स, कभी भी आप हनुमान जी की पूजा करें, खास करके हनुमान जयंती पे, तो हनुमान जी के साथ साथ राम जी की पहले पूजा करें। हनुमान जी से पहले राम जी की पूजा करने से हनुमान जी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आप लोग सबसे पहले राम परिवार की, राम दरबार की मूर्ति जो आपके घर में फोटो होगी, पहले राम दरबार की पूजा करें आप, जिसमें राम परिवार है, उसके बाद हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। और फ्रेंड्स, इसके लिए तीन उपाय मैं बता रही हूँ, अगर आप करेंगे तो काफ़ी सफलता मिलेगा इसमें। मुझे मिला है सफलता, तभी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मैं ऐसे कोई गलत बात आप लोग के साथ शेयर कभी नहीं करूँगी। पहला उपाय है फ्रेंड्स कि जो बच्चे बहुत दिन से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये महा उपाय बहुत बहुत ही सिद्ध होगा। आप लोग करके ज़रूर देखिएगा। जो बच्चे बहुत दिन से नौकरी की तैयारी कर रहे हों, अच्छे से नहा धोकर लाल वस्त्र पहन के बैठे हनुमान जी के सामने, लाल फूल रोड़ी से उनकी पूजा करें। पूजा करने के बाद सुंदर कांड का पाठ करें, सुंदर कांड का पाठ आराम से करें और पूरे भक्ति भाव से, पूरे मन से करें, प्रसन्न करें हनुमान जी को। और जो भी उनको मनोकामना मानना है, जिस नौकरी को लेकर, किसी इंटरव्यू के लेकर, किसी बड़े चीज की तैयारी कर रहे हों उसकी लेकर, तो उस दिन मन्नत माने हनुमान जी से, हनुमान जी ये सिद्ध कीजिए हमारा जो भी ये जिस काम के लिए वो सफलता चाहते हों, और पूरे मन से बैठकर उस दिन सुंदर कांड का पाठ करें। ये पहला उपाय है फ्रेंड्स, जो लोग नौकरी के लिए बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रहा है उनके लिए। दूसरा है फ्रेंड्स कि अगर आपके बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, छोटे बच्चे, ये तो मुझे लगता है 1-2 क्लास से बच्चे ये कर सकते हैं, उनको अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जिद्दी हैं, खास करके जिद्दी बच्चे, जो बच्चे ज़्यादा जिद्दी हैं, बात नहीं मानते हैं, उनको आप लोग उस दिन नहला धुला कर बैठाइए, बैठाकर लाल वस्त्र जरूर पहनाइएगा। लाल वस्त्र मैं बार बार इस बता रही हूँ आपको और आप लोग के सामने पहन कर भी आई हूँ कि उस दिन लाल वस्त्र से ही पूजा पाठ किया जाता है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, एक ऐसी चुन्नी भी आप सर पे रख लें, अगर आपके घर में लाल तौलिया हो, लाल गमछा हो, तो वो आप बच्चे के सर पे रख दें, अगर लाल टी शर्ट वगैरह हो तो उसको पहना दें। हनुमान जी लाल चीज से बहुत प्रसन्न होते हैं। और 21 लाल फूलों की माला, लाल फूल की 21 फूल की माला बनाकर हनुमान जी को पहनाइए अपने बच्चे के द्वारा, जो बच्चे को आपके पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, जिद्दी हो, उसके लिए आप हनुमान जी को बच्चे के हाथ से 21 लाल फूलों की माला पहनवाइए, 21 लड्डू की भोग लगाइए। आप घर में बना सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है, आटे गुड़ की लड्डू बनाइए घर में और हनुमान जी को भोग लगवाइए बच्चे से, और 11 बार या 21 बार जितना बच्चा कर सकता है, अगर बच्चा छोटा है तो 5 बार भी कर सकता है, 7 बार भी कर सकता है, अगर थोड़ा बच्चा बड़ा है, आपका बच्चा कर ले रहा है, तो 11 बार करवाइए। अगर आपके बच्चे नहीं कर रहे हैं तो माँ भी कर सकती हैं, पेरेंट्स, कोई भी माँ पापा उनके कोई भी कर सकते हैं, लेकिन साथ में कोशिश कीजिए कि बच्चा बैठे, थोड़ी सुने भगवान में। आजकल के बच्चों को खास करके भगवान की आराधना में जुड़ाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं देखती हूँ आजकल के बच्चों को पूजा पाठ भगवान से उतना लगाव नहीं होता, लेकिन पेरेंट्स को ये कोशिश करना चाहिए कि बच्चे का मन भगवान के तरफ थोड़ा आकर्षित हो, थोड़ा पूजा पाठ भी हो करें, भगवान के आराधना में उनका मन लगे। आप करवाइए, देखिएगा धीरे धीरे करके आपके बच्चे का बुद्धि ठीक हो जाएगा। हवन करवाइएगा उस दिन, थोड़ा हवन कुंड बनाकर वहाँ थोड़ी सी
अगर आप ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, सिटी में भी रह रहे हैं, टाइल्स मार्बल का घर है, फिर भी अगर लोहे की कढ़ाई उढ़ाई होगी तो उसमें आप थोड़ी सी हवन कीजिए सब परिवार मिलके, और बच्चे से करवाइए। पान का पत्ता उसमें डाला जाता है हवन में, लौंग इलायची पान का पत्ता डालिए, बच्चों के हाथ से भी डलवाइए और हवन कीजिए। इससे घर में शुद्धियाँ होती है, अच्छी प्रवृत्तियाँ आती है, जिससे हमारे घर में सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। पिछला वीडियो मेरा आप लोग देखिएगा तो पहले भी मैं आप लोग को बताई हूँ कि हनुमान जी का पूजा कैसे करना चाहिए। आप लोग उस दिन कीजिए कपूर की आरती, जरूर करनी चाहिए हनुमान जी की पूजा में कपूर की आरती से, तो ऐसे भी हमारे घर में प्रवृत्तियाँ अच्छी अच्छी आती है, शुद्धियाँ होती है, हमारा घर शुद्ध हो जाता है, कोई भी बाहरी हवा पानी हमारे घर में प्रवेश नहीं करता है जहाँ कपूर की आरती होती है। तो कपूर की उस दिन आरती कीजिए, हमेशा लाल चीज का ही हनुमान जी को भोग लगाइए, लाल फल मंगाइए आप, लाल घर में प्रसाद बनाइए और हनुमान जी का भोग लगाइए। ये उपाय था फ्रेंड्स बच्चों के, जो बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगता है, जिद्दी हैं, उनके लिए। तीसरा महा उपाय आप लोग को मैं बताती हूँ, ये उपाय आप लोग जरूर कीजिएगा। अगर आपके घर में कोई ज़्यादा बीमार है बहुत दिनों से, या फिर आप कर्ज में डूबे हुए हैं, कर्ज वालों को मुक्ति इससे जरूर मिलती है। ये तीसरा उपाय आप करके देखिएगा, धीरे 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 करके आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगा। ये महा उपाय बहुत बहुत बड़ा महा उपाय है ये, और बहुत संजोग से फ्रेंड्स 23 अप्रैल 2024 में हमारा हनुमान जयंती मंगलवार को पड़ा है। ये बहुत सौभाग्य की बात है, हमेशा नहीं पड़ता है, तो इसलिए ये महा उपाय उस दिन जरूर कीजिए, धीरे धीरे करके आप कर्ज से मुक्ति मिल जाएगा। तो फिर ये फ्रेंड्स ये उपाय है कि उस दिन आप पहले ही तोड़ लीजिए, मंगलवार को तुलसी जी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है, तो इसलिए आप लोग पहले ही तोड़ लें। उस दिन आप 108 तुलसी का पत्ता, तुलसी के पत्ता ले लीजिए 108, और उस पे राम 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 लिखना है। चंदन से चंदन को घोर लीजिए, लाल चंदन को, और एक तिनका ले लीजिए, उसके सहारे से थोड़ा गाढ़ा घोरने से लिखा जाता है, मैं भी ये उपाय की हूँ आपको बता रही हूँ। थोड़ा गाढ़ा घोरिए और उस तिनके से लेकर पूरे पे राम राम राम, पूरे जितने आप 108 पत्ता तुलसी जी का लिए हैं पूरे पे आप राम राम लिख करके और उनको अर्पण कीजिए। अगर आप माला बना सकते हैं तो सबसे अच्छा है, माला बना लीजिए उसका और हनुमान जी के गले में पहना दीजिए। अगर आप माला नहीं बना सकते हैं तो राम राम लिखकर उनको अर्पण कीजिए। ये महा उपाय कर्ज मुक्ति के लिए बहुत ही विशेष है, आप लोग जरूर कीजिएगा। जो ज़्यादा ऋण में ज़्यादा कर्ज में हैं उनके लिए ये महा उपाय बहुत ही कामयाब है, बहुत ही कामयाब है फ्रेंड्स। आप करके देखिएगा इसके कितने फायदे हैं। तो ये हनुमान जी से जुड़ी हमारी कुछ बातें थी, जो महा उपाय था आप लोग के साथ मैं शेयर की। आगे मैं हनुमान जी से लेकर और वीडियो लाऊंगी, जो कर्ज मुक्ति के लिए हनुमान जी की आराधना कैसे करनी चाहिए वो मैं आगे की वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आऊंगी। तब तक ये वीडियो देखिए आप लोग, ये महा उपाय कीजिए, अभी हनुमान जयंती में टाइम है, इसलिए मैं पहले ही बताई हूँ कि जो भी व्यवस्था करना आप कर लेंगे। और ये महा उपाय हनुमान जयंती के दिन जरूर कीजिएगा, ये तीन महा उपाय करने से आपकी सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, सारे दुख खत्म हो जाएंगे। हनुमान जी तुलसी जी के पत्ते से बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो आप लोग 108 तुलसी जी का पत्ता लेकर उस पे राम राम लिखकर उनको अर्पण कीजिए, देखिएगा हनुमान जी कितना प्रसन्न होते हैं और आपका कार्य जल्दी ही सिद्ध हो जाएगा, जल्दी ही सिद्ध हो जाएगा। ये सभी लोग करते हैं फ्रेंड्स, लेकिन आजकल ऐसा है कोई किसी से कुछ शेयर नहीं करता है। तो ये महा उपाय आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। आज का मेरा वीडियो यहीं तक का था, अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, अगले वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल जाएगा। ऐसे ही अच्छी बातों के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता।